अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं बना रही हूँ बीफ निहारी। तो सबसे पहले ऑयल में मैंने ये ऑनियंस ऐड किए हैं, और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो ये देखेंगे बस हो रहे हैं, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ज़्यादा मैंने मोटा मोटा ही इसको किया है, ज़्यादा मैंने इसको बिल्कुल ही वो ब्लेंडर में नहीं किया। तो अब इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूंगी, ताकि इसकी जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाए, और फिर मैं इसमें बीफ डाल दूंगी। तो आप जो हैं बड़े साइज़ में बीफ के पीसेस भी रख सकते हैं, मैंने इतने ही रखे हैं, तो ताकि खाने में भी आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस जो है वो हर एक की अपनी चॉइस होती है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी बनाई नहीं है, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना। और ये मैं इसको ऐड कर दूँगी, और इसको मैं कलर चेंज होने तक मैं भूनूँगी अच्छे से ऑनियन और अदरक लहसुन के पेस्ट में, तो ताकि ये बीफ की वैसे स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए, और ये इसका पानी भी रिलीज़ हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें अब कलर चेंज हो गया है, और ये देखें अच्छे से भून भी गई है। तो अब मैं इसमें निहारी, ये मसाला ये मेरा होममेड है, ये मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने ही फुल भर के डाला है। तो आप कोई भी शान या नेशनल का मसाला, निहारी मसाला यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये मेरा घर का था तो मैंने खुद बनाया था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से भूनूंगी मसाले में। इतना ये ना हो कि आपने थोड़ा हल्का हल्का पानी भी इसमें डाल देना, क्योंकि मसाला जल जाता है। तो इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी। तो ये जब अच्छे से भुन जाएगा, फिर मैं अपने हिसाब से जो मुझे जितना मुझे पानी चाहिए होगा, जितनी ग्रेवी मैंने रखनी है, तो वो मैं रख दूँगी, पानी डाल दूँगी इसमें। और ये देखें ये अच्छे से भून रहा है, और ऑयल भी देख रहे हैं, मैंने लेस ऑयल में बनाई है, मैं ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब ये देखें ये अच्छे से भून रही है, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे नीड है, और जितनी मैंने ग्रेवी रखनी है मैं देख लूँगी इसको गला के। और ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसको वैसे ही लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, बस उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। प्रेशर कुकर में ये है कि 1 घंटे के अंदर ये आपकी बहुत अच्छे मज़ेदार सी निहारी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए अब मैंने इसको 20-25 मिनट का प्रेशर दे दिया था वेट इसका। तो ये देखें ये, अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये स्टीम की वजह से ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है रिज़ल्ट, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो अच्छी बन गई थी, और ये देखें ये मैं चेक कर लेती हूँ आपको, मैं चेक करके बताती हूँ कि इसकी जो इसका गोश्त या किस कितना गला हुआ है। बिल्कुल गला होना चाहिए मलाई की तरह, और ये भी थोड़ा सा कच्चा नहीं है, हार्ड है। इसको मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगी, क्योंकि बिल्कुल ही वो टूटी जैसे वो रेशे अलग-अलग होते हैं, उस तरह वो अच्छी लगती है मलाई टाइप। तो इसको मैं थोड़ा और टाइम दे दूंगी, और आटा मैं इसका कर लूँगी तैयार। इसको मैं कच्चा आटा नहीं इसमें डालूँगी, मैं थोड़ा सा जो पैन में इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, रोस्ट कर लें जैसे थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए। बिल्कुल इसको आपने ब्लैक नहीं करना, हल्का सा इसको मैंने बस देना, क्योंकि कच्चापन जो है ना वो अच्छा नहीं लगता आता। तो आपकी चॉइस है, मैं तो इस तरह ही डालती हूँ। और अब मैं इसको, ये देखें रेडी हो गया, अब मैं इसमें डाल लूँगी जितनी मुझे इस थिकनेस चाहिए इसमें, और उतना मैं डालूँगी, और इसका अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना के डाल दूँगी इसमें। और ये माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो गई है, और हमारे गेस्ट आने वाले हैं, बस मैं उनके लिए बना रही थी। तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी।
और वीकेंड पे तो ये होता है क्योंकि वीकेंड पे टाइम होता है तो फिर हम गेट टुगेदर कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मज़ा आता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आटा जो मैंने पेस्ट बनाया है, और साथ साथ चम्मच चलाते जाऊंगी, और जितनी मुझे थिकनेस चाहिए मैं उतना देख लूंगी। आप एकदम से ना सारा आटा डालिएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा वो थिक हो जाती है, तो इतनी मुझे, ये देखें, ये इतना ज़्यादा थिक भी नहीं है और ठीक है, नॉर्मल है। अब ये इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए। और अब ये मैं बना रही हूँ चावलों की खीर बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 kg मिल्क ले लिया है, और ये 1/2 कप मैंने ये चावलों के लिए हैं, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो अब मैं ये देखें, बिल्कुल आप ग्राइंडर में भी चाहे आप इस तरह भी डाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, और ये इसमें इस तरह टेस्ट आ रहा था वो जैसे खीर मिक्स का होता है। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने इलायची डाल के इसको मैंने ग्राइंड किया है, और इतना मज़े का टेस्ट आया था, यकीन माने बहुत मज़े का आया था टेस्ट, और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब ये मैं चावल डाल दूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी, और टाइम भी नहीं लेती और बहुत ही ये जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े की बनी थी। तो शुगर वगैरह भी आप इसमें डाल लें, और बस इसके चावल वैसे भी क्योंकि वो होते हैं वो दूसरी जो खीर होती है उसमें तो फिर प्रॉपर चावलों को गलाना, फिर उनको मैश करना, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें तो बस ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती। और अब मैं इसमें चीनी भी डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बन जाती है ये जल्दी काफ़ी। तो मैंने ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वरना मैं नॉर्मली तो चावलों को पहले गलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारा दूध वगैरह और चीनी वगैरह डालती हूँ। अब मैंने ये देखिए अभी थिक हो गई है, इसको बिल्कुल आप थिक भी कर सकते हैं, और बिल्कुल आप इसको पेस्ट सा भी बना सकते हैं, फिरनी टाइप। तो मैंने हल्के हल्के चावल इसमें रखे थे, नज़र आने चाहिए, और साथ में ये मैं गूंद रही हूँ आटा, नान मैं बनाऊँगी साथ। और ये बिल्कुल मैंने ऐसे जैसे पिज्ज़े की डो बनती है, मैंने सेम उसी तरह डो बनाई थी। और बहुत सॉफ्ट बने थे, क्योंकि नान नान भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसको मैं अब गूंद रही हूँ आटे को, और बिल्कुल आपने इसको जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली वैसा आपने नहीं गूंदना, उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही वो हाथ में कंट्रोल नहीं होता, तो थोड़ा इसकी जो है हार्ड होनी चाहिए डो। तो ये देखें अब ये कितनी स्मूथ सी डो बन गई है। तो ऑयल इस पे आप थोड़ा सा लगा के तो रख दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए, तो काफ़ी ये अच्छे से फूल जाएगी, और फिर मैं नान बना लूँगी। और ये देखें ये अब मैं बना रही हूँ पुलाव बना रही हूँ, यखनी पुलाव नहीं है ये, जस्ट सिंपल पुलाव है। तो ये मसाला वगैरह बना के मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था, योगर्ट भी इसमें डाला था, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई आई थिंक, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो बाकी मेरी चीज़ें डन है, और मैं ये बना लूँगी, और ये देखें माशाल्लाह सारा खाना रेडी हो गया है, ये देखें पुलाव भी रेडी हो गया है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और काफ़ी अच्छा रेडी हुआ था, खिले खिले चावल। और ये देखें निहारी भी माशाल्लाह डन है, और अब मैं सर्व कर दूँगी, ये देखें ये पुलाव और रायता बनाया था, और ये निहारी की लवाजमात और नान, और स्वीट डिश मैं आपको भी दिखाती हूँ, नान भी बनाए थे मैंने, ये देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने हैं, और ये स्वीट है, खीर बनाई थी बहुत मज़ेदार बनी थी, और शक्ल से ही मज़ेदार लग रही है, और खा के तो उससे भी ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।